दोस्तों अभी हमारे हाथ में एक छोटी सी डिवाइस दिख रही है। यह छोटी सी डिवाइस बड़े बड़े महारथी लोगों को जो है मुंह चिढ़ाने वाली है। दरअसल इस छोटे से डिवाइस को एक छोटे से बच्चे ने आविष्कार किया है। यह डिवाइस कई लोगों की जान को बचाने वाला है। इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और यह डिवाइस किस तरह से लोगों की जान बचाएगा वो भी बताएंगे, और उस बच्चे से भी मिलवाने जा रहे हैं जो छोटे से उम्र में इस शानदार रिवोल्यूशनरी डिवाइस का आविष्कार किया है। अब देखिए यहां पर जब हम मौजूद हैं, यहां पर क्यों मौजूद हैं, यहां पर रेलवे लाइन दिख रहा है और यहां पर 25,000 वाट का बोल्ट का तार गया हुआ है, और जैसे जैसे हम यह तार के करीब हम आ रहे हैं यह डिवाइस जो है यह सिग्नल पाते ही देखिए कि इसमें आवाज आने शुरू हो जा रहे हैं। देखिए कि अगर हम पास में जा रहे हैं तो इसमें एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब तो जल ही रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर इस तरीके का एक साउंड मीटर भी लगाया गया है जो डायग्नोस करके यह जैसे जैसे करीब लेकर जा रहे हैं तार के वैसे वैसे किसी भी तरीके से तार से संपर्क नहीं है। देखिए बिल्कुल तार से संपर्क नहीं है, फिर भी वायरलेसली यह रेडियो फ्रिक्वेंसी यह जो है कर दे रहा है कि यहाँ पर बिजली के तार गए हुए हैं। अब इसका आविष्कारक जो है यह छोटा सा जो बच्चा है उससे भी आपको मिलवाते हैं। आप आइए यहाँ पर और बताइए कि यह किस तरह से कार्य करता है। इस डिवाइस का नाम कुछ दिए हैं कि नहीं? जी, वायरलेस टेस्टर। वायरलेस टेस्टर इसका नाम दिए हैं। तो जैसे कि आप जो है हमेशा जो बिजली विभाग वाले लोग हैं उनके पास एक टेस्टर होता है, वो वायर को टच कराते हैं तो उसमें बल्ब जलता है, लेकिन यह जो है बिना टच किए ही यह आवाज भी कर रहा है और बल्ब भी जल रहा है। हाँ, बिना मतलब जैसे तार के पास लेके जाएंगे तैसे मतलब इसमें बल्ब ऑन हो जाएगा। अब देखिए कि यह जो है हम जैसे ही इसको नीचे कर रहे हैं एक लिमिट दूरी तक यहाँ पर आ रहा है और नीचे करने पर यह बंद हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही यह थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच कर रहा है, वैसे ही इसमें साउंड वेव जनरेट होना शुरू हो जा रहा है और यहाँ पर लाइट जो है जलनी शुरू हो जा रही है, जिससे पता चल जा रहा है कि यहाँ पर लाइट गया हुआ है या तार गए हुए हैं। यह लोगों का किस तरह से जीवन बचाने वाला है? जैसे मान जाइए बहुत लोग मतलब लाइन मार देता था, जैसे मतलब पोल पोल पर चढ़ते थे तो मान जाइए ये रहेगा तो मतलब तार मतलब टच होगा तो बता देगा इसमें लाइन है कि नहीं है। तो इसका यूज हम बताएं कि यह छोटा सा जो ये डिवाइस, पहले इसके बारे में बात करेंगे कि यह कितने रुपए में बन गया। बहुत सिंपल सा इसमें दिख रहा है कि मान लिया 50 रुपए में बन गया है। और कितने दिन के बाद से यह डिवाइस तैयार हो गया है? बस एक ही दिन में बन गया है। एक दिन में बन गया है? हाँ। तो मतलब उसके पहले तो बहुत दिन से क्या सोच के आप तैयारी कर रहे थे कि इस तरीके की डिवाइस बनानी चाहिए? मान जी हम भी मतलब काम उम करते थे तो मतलब लाइन उन मार देता था। हाँ। तो उसी से मतलब देख कर इसको बनाए हैं। हाँ। बहुत लोग भी लाइन मार देता था। हाँ। उसी के मतलब इसको बना दे मतलब इसके पास जिसके पास रहेगा लाइन नहीं मरेगा, चेक कर लेंगे इसे। अच्छा, तो इसका जो है पेटेंट वगैरह कराने का प्लानिंग किए हैं कि नहीं? ये तो बहुत ही हमको लगता है कम दाम में लोगों के लिए बहुत हितकर हो सकता है। हाँ, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। क्या कॉस्टिंग आई है इसकी? इसका 50 रुपया। 50 रुपये में इसको बना दिया आपने? हाँ। 50 रुपये में ये डिवाइस बनी हुई है, और बड़े बड़े लोगों जो खतरे मोल लेते हैं, जो बिजली विभाग के लोग हैं और टेस्टर्स, उनको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा टेस्टर है कि बिना किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच किए हुए जो है आप जान सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो इसके अलावा जो और भी इनोवेशन वगैरह आपने किया है? जी, वो मतलब स्मार्ट डस्टबिन है, एक सेंसर है, जैसे गिलास लगाएंगे पानी गिरने लगेगा। अच्छा, आप जो है कब से ये सब कर रहे हैं? ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं, मतलब 3 साल से मतलब इस पर बना रहे हैं। किसका किसका सपोर्ट रहता है? कि कुछ संस्थाएं वगैरह रही जिनको आपने दिखाया है और वो मदद की है? नहीं, अभी कोई नहीं मदद की है। बस घर के ही मदद करते हैं पापा, और बस पापा के मदद से इन्होंने देखी है कि ये जो है यहाँ पर छोटे से ग्रामीण लड़के ने एक शानदार से डिवाइस का आविष्कार किया है। और ये देखिए इसमें ग्रीन सा, शायद हम पास में आके और आपको क्लोज दिखाना चाहेंगे कि ये ग्रीन बल्ब जल रहा है। ऊपर जो है 25,000 वोल्ट का जो है यहाँ से वायर गया हुआ है, और ये सिर्फ यहाँ पर भी कामयाब आना है कि और भी जो कम वोल्टेज के है जो घरेलू उपकरण है वहाँ पर भी काम चल, वहाँ भी काम करेगा। जैसे वायर के पास सटाएंगे तो इसमें मतलब लाइट ऑन हो जाएगा। अच्छा, वायर के पास चिपकाते वो नग्न होना चाहिए, नंगा होना चाहिए, या फिर वायर के ऊपर ही, केबल के ऊपर ही? केबल के ऊपर ही बता देगा। अच्छा, और न्यूट्रल के स्थिति में नहीं बसता है और फेज रहेगा तो चलना शुरू कर। हाँ, बस फेज रहेगा तो।
ऐसा तो नहीं है कि केवल ये अगर लोहे वगैरह से भी टच करे तब आवाज करना शुरू कर देगा? नहीं नहीं, बस उसमें लाइन रहेगा तभी। मतलब स्पेसिफिक जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है शानदार प्रयोग किया गया है, और इसके साथ हम इनके घर भी चलेंगे और वायर, छोटे छोटे जो वायर हैं उस पर भी टेस्ट करके दिखाएंगे कि यह छोटी सी डिवाइस जिन्होंने हमको दिख रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी दिख रही है और एक सेंसर लगा हुआ ऊपर दिख रहा है और छोटा सा एक ट्विटर बैटरी लगी हुई है और एक बल्ब लगा हुआ है और छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जी, और इन्होंने शानदार ढंग से इसको बना दिया। कितने दिन तक ये चलेगा? ये तो कम से कम 5-6 महीने तक चलेगा। 5-6 महीने तक निश्चिंतता रहे? हाँ, उसके बाद बैटरी चेंज कर सकते हैं। बैटरी चेंज करने के बाद से फिर से काम करना शुरू? हाँ, फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इनोवेशन कुशीनगर, भाई कुशीनगर में कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला कि रोबोट बॉय भी रोबोट को बनाकर छोटे से उम्र में किस तरह से पूरी दुनिया में नाम अपना रोशन कर रहा है, और ये भी कुशीनगर से बिलोंग करते हैं। और किस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? 11 में पढ़ रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? 15-16 साल है। 15-16 साल है, मतलब हमको नहीं लगता है कि फिजिक्स का बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी आपको पता होगा और आपने इनोवेशन ये कर लिया है जी। हाँ, तो घर चलते हैं और समझते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि क्या क्या आपने इनोवेशन किया और क्या क्या चीजें हैं। कुछ छूटा था।